वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार यानी 1 फरवरी को आम बजट 2023-24 पेश किया। पिछले साल की तुलना में इस बार बजट लगभग 8% ज्यादा है। 2022-23 में सरकार ने 39,44,00,000 का बजट जारी किया था, हालांकि बाद में ये संशोधित होकर लगभग 42,00,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा है। वित्त मंत्री ने बजट में सभी क्षेत्रों को साधने की कोशिश की है। रक्षा, होम समेत कई ऐसे मंत्रालय हैं जिनके बजट में इजाफा किया गया है। आइए जानते हैं कि किस मंत्रालय को कितना बजट मिला है। रक्षा मंत्रालय। हर बार की तरह इस बार भी रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा बजट मिला है। पिछले साल की तुलना में इस बार डिफेंस बजट में इजाफा किया गया है। मोदी सरकार ने रक्षा मंत्रालय को पिछले साल की तुलना में इस बार 13% अधिक बजट दिया, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय का बजट बढ़कर 5,94,00,000 करोड़ रुपए हो चुका है। इसमें से 2,70,00,000 रुपए सेना, नौसेना और वायुसेना पर खर्च होंगे। इस बार हथियारों की खरीद और आधुनिकीकरण के लिए 1,62,00,000 रुपए रखे गए हैं, जबकि पिछली बार 1,52,00,000 रुपए रखे गए थे। इसके अलावा पेंशन पर भी एक बड़ा हिस्सा खर्च होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा बजट सड़क परिवहन मंत्रालय को मिला है। इस वक्त सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी के पास है। सड़क परिवहन मंत्रालय को 2,70,00,000 रुपए का फंड मिला है। रेल मंत्रालय। रक्षा और सड़क परिवहन मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा फंड रेलवे को मिला है। रेलवे के लिए इस बार 2,41,00,000 रुपए का बजट रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने बताया है कि वित्त वर्ष 2013-14 से इस बार रेलवे को 9 गुना अधिक बजट दिया गया है। गृह मंत्रालय। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विभाग की बात करें तो इस बार गृह मंत्रालय को 1,96,00,000 रुपए का बजट दिया गया है। गृह मंत्रालय का 65% बजट पुलिस पर खर्च होता है। इसके अलावा कश्मीर और दिल्ली के लिए भी बजट प्रस्तावित किया गया है। इसमें दिल्ली को 1,168,00,000 और कश्मीर को 35,000,00,000 का बजट मिला है। उपभोक्ता मंत्रालय। चौथे नंबर पर उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। ये मंत्रालय पीयूष गोयल के पास है। इस मंत्रालय को 2,06,00,000 रुपए मिले हैं। इसमें से 99% रकम खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को मिली है। अन्य मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्री ने महिला और बाल विकास मंत्रालय को 25,448,00,000 और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को 3,097,00,000 रुपए दिए हैं। ये दोनों मंत्रालय अभी स्मृति ईरानी के पास हैं। हालांकि अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में इस बार कटौती की गई है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बार अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 38% घट गया है। 2022-23 में अल्पसंख्यक मंत्रालय को 5,000,00,000 रुपए से ज्यादा का फंड मिला था, जबकि इस बार 1,68,00,000 रुपए रखे गए हैं। वहीं एस जयशंकर के विदेश मंत्रालय को 18,050,00,000 रुपए दिए गए। इस बार खेल बजट में भी बढ़ोतरी हुई है। खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर के पास है। खेल मंत्रालय को 3,397,00,000 रुपए से ज्यादा मिले हैं। ये पिछले साल की तुलना में 723,00,000 रुपए ज्यादा है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को 3,113,00,000 रुपए का फंड मिला है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी खासा जोर दिया है। दोनों ही मंत्रालयों के बजट को बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी जोर। शिक्षा मंत्रालय को इस बार 1,12,00,000 रुपए मिले हैं। इस साल शिक्षा पर GDP का 2.9% खर्च किया जाएगा। इसमें से करीब 69,000,00,000 रुपए स्कूली शिक्षा पर खर्च होंगे। 44,000,00,000 रुपए हायर एजुकेशन पर खर्च किए जाएंगे। सरकार ने 157 नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की है। छात्रों और युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो मनसुख मंडाविया के मंत्रालय को अगले वित्त वर्ष के लिए 89,155,00,000 रुपए का बजट दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 89,155,00,000 रुपए रखे गए हैं। इसमें से लगभग 3,000,00,000 रुपए रिसर्च पर खर्च होंगे। इस वित्त वर्ष में स्वास्थ्य पर GDP का 2.1% खर्च करने का अनुमान है।